गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे हो रही है याशी के लंच की तैयारी और हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं उसके लिए बना रही हूँ पाव भाजी। उसका बहुत मन था और फ्राइडे को मैम ने बोला कुछ स्नैक्स टाइप ला सकते हो, तो इसलिए पाव भाजी बना रही थी। तो यहाँ पे है भाजी, यहाँ पे है पाव और यहाँ पे बन रही है चाय। और अभी मैं उसके लिए लगाऊंगी टिफिन। बन गया अच्छा। और याशी दीदी नहा भी ली ना, याशी दीदी रेडी हो रही है और मैं तो ऐसे ही उठ जाता हूँ सुबह सुबह, है ना? मैं तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है फिर भी मैं उठ जाता हूँ, है ना आयु? सुनो, मुझे कोई काम नहीं है फिर भी मैं उठ जाता हूँ, है ना? चलो अब मैं इसको बिठाऊंगी वॉकर में, फटाफट से कर देती हूँ। ओ ओए ओए ओए, चलो बैठो बैठो बैठो। चलो चलो गाड़ी बैठ गया, चलो 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 भाई, चलो 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 चलो। अब मैं फटाफट से लगा देती हूँ यशी का टिकट। गुड मॉर्निंग आयु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया हाँ, इतने बड़े बेड का भी बाबू कोई फायदा नहीं है, आप इधर से उधर ऐसे हो जाते हो। वो दीदी की नहीं है दिलाई। यहाँ पे मैं याशी के लिए एप्पल कट कर रही थी और आयु को खिला रही थी। आयु वो ये खेल रहा था, वॉकर में बैठा हुआ था, तो डेली कोई ना कोई एक फ्रूट दे ही देती हूँ मैं उसको मोस्टली। तो आज यहाँ पे एप्पल कट कर रही थी और आयु के साथ बातें कर रही थी, तो बस यही था। स्कूल में बच्चे थोड़े खा के आ जाते हैं डर से, अदरवाइज़ घर पे तो बहुत नाटक रहते हैं ना बच्चों के ये सब खाने में, तो वही सीन रहता है कि कोशिश करती हूँ कि स्कूल में भेज दूँ तो फिर मतलब दिक्कत ना हो। तो और इवन स्कूल में बोलते भी कि एक फ्रूट्स होना चाहिए बच्चे के लिए, तो वो चीज़ था। यहाँ पे मैं इनके लिए चाय कर रही थी और याशी का भी दूध गर्म किया था, तो याशी को दूध दिया और इनके लिए चाय की। ये भी सुबह सुबह चाय पी के चले जाते हैं, तो बस यही था। तो यहाँ पे हो गया था इनका और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। और यहाँ पे जैसे पाव भाजी बनाया था, यशी के टिफ़िन में पाव भाजी दिया था और हम लोग करने बैठे थे। यहाँ पे भाजी पे ना मैंने चीज़ डाल दिया, चीज़ स्लाइस था तो वो डाल दिया है। तो ये है मेरा और इनका ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने ना वो मंगाई थी बेक्ड मछलियाँ,
मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये हैं अमेजन से मंगाई हैं, आपको अभी उल्टा दिख रहा होगा। तो ये अजवाइन वे की मछली, तो मैं अभी इनको उनसे बॉक्स में डाल रही थी, तो मुझे डालते डालते याद आया कि मैंने आपके साथ भी शेयर की है। बेक्ड है, ऑयली नहीं है, तो मतलब आप हेल्दी कह सकते हो। वैसे तो बाहर की 100% हेल्दी नहीं होती है, बट स्टिल मतलब ऑयली नहीं है। तो आप ये है कि मैं इसमें भर के रखूँगी, तो चाय वाय के साथ मतलब अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा मुझे एकदम से याद आया कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। अजवाइन भी है कुछ, तो अभी इनको भर लेते हैं। इसमें ना इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे से पैकेट्स निकलते हैं। एक पैकेट में इसमें तीन छोटा से तीन छोटे छोटे से पैकेट हैं, और मैं इनको खोल के ना इसमें बॉक्स में भर दूंगी। तो ये हो गया हमारा चाय के लिए कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स रेडी, मतलब बॉक्स में रख के रेडी। तो अभी ना काम वगैरह तो डन हो गया है, आदि को सुला दिया, मशीन लगी हुई है, कपड़े वॉश हो रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। 3 दिन से अच्छी हवा चल रही है, कल तो आंधी आई थी, बारिश तो थोड़ी देर ही आई थी, ठंडा मौसम हो रहा है। और जो है आज ना मैंने ब्रेकफास्ट में पाव भाजी बनाई थी, तो थोड़ा सा हैवी हो गया है। तो अभी लंच खाने बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने लंच की कोई भी तैयारी नहीं की है। यासी के लिए पाव भाजी दी थी, अब हम लोगों ने भी वही खाई है, तो थोड़ा सा हैवी जैसा सा लग रहा है। तो अभी लंच मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, देखूँगी उसी टाइम पर, सोच रही हूँ कि पुलाव या कुछ बना लूँगी, ऐसा कुछ सोचा है अभी, बाकी अभी बिल्कुल भी कुछ भी इच्छा नहीं है। तो मैंने ना थ्रेडिंग बनवाई थी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो बड़ी जल्दी ना मेरी स्किन आ जाती है, कितना भी पकड़ लूँगी फिर भी आ जाती है। यहाँ पे ऐसे निशान बन जाते हैं। आयुष हो गया, देखो कितनी देर तक सोता है। मैं सोचती हूँ जब तक थोड़ी सी इंस्टा पे रील्स बना लेती हूँ, और जिसने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं नीचे यहाँ पे ना अपना मेंशन कर दूँगी, shashi_s12 के नाम से हूँ मैं इंस्टा पे। बाकी मैं फिर भी एक बार लिंक जो है यहाँ पे डाल दूँगी ब्लॉग में, तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मेरी रील्स के लिए। और बस अभी जब तक आयुष हो रहा है तब तक सोचती हूँ यही कर लेती हूँ। हेलो करो, हेलो, अरे गाड़ी पहुंच गई दूर, लाला की तो गाड़ी पहुंच गई दूर। हेलो हेलो आयु, हेलो आयु, हेलो हेलो करो आयु, कहाँ देख रहे हो, हेलो करो, हेलो हेलो आयु, आर यू हाई फाइव, आर यू हाई फाइव, क्या हुआ, पीछे चलता है आपका बॉकर। हेलो 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 करो, चलो अरे हेलो कर लो, बच गया। दीदी को लेने, दीदी को लेने जा रही स्कूल से, आज इनकी कॉल थी और क्लाइंट कॉल थी, तो मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे लेके जाना पड़ रहा है। आई टचवुड आज की मतलब मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी हवा चल रही है ठंडी, इसलिए आ गया। अब ड्यूटी को लेके नीनी आ रही थी, आई को बहुत बड़ लेके जाना पड़ा मुझे, सोएगा बेटा, इसको बहुत नीनी आ रही है, नीनी आ रही है नीचे। हाँ, नीनी आ रही थी भैया को, बहुत नीनी आ रही थी है ना, पर जाना पड़ा मेरे। हाँ मैं इसको सुला दूँ, आप जब तक कपड़े चेंज करो, ठीक है।